अब वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका है। पहले एडिटिंग के लिए कोर्स करो, फिर एडिटिंग सीखो और उसके बाद में सॉफ्टवेयर परचेज करो एंड देन फिर एडिटिंग करो। बट सोचो, अगर इस बीच आपको कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर एक डिटेल ट्यूटोरियल मिल जाए जो सॉफ्टवेयर फ्री में आता हो और आसानी से समझ में आ जाए, उसका कोई कोर्स ना करना पड़े, तो कितना अच्छा हो। इसीलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैपकट के बारे में और दूंगा उसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल, जिसके बाद में आप लोग एडिटिंग आसानी से समझ जाओगे, सॉफ्टवेयर भी फ्री है तो मजे आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट यहां से। अब कैपकट वैसे तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, बट कुछ लोगों को इसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम रहती है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर, ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा, जाकर वहां से देख सकते हो वीडियो को। उसमें बताया मैंने कि कैसे आप कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो। और अब जहां तक है एडिटिंग का सवाल, तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पर आना है और कैपकट ओपन करना होगा। कहां है ये रहा, ठीक है। तो एक नए वर्जन का अपडेट आया हुआ है मेरे सामने, यहां पर कुछ नए फीचर्स भी मिलेंगे, तो अभी तो नहीं कर रहा, बाद में अपडेट कर लूंगा। यहां पर देखो, सबसे पहले आपके सामने नया प्रोजेक्ट बनाने को बोला गया है एंड साइन इन का ऑप्शन दिया है, तो आपको सबसे पहले यहां पर साइन इन करना होगा, अदरवाइज आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो साइन इन करना है एंड यहां से मैं साइन इन विद गूगल यूज कर लेता हूं। ओके, तो साइन इन हो चुका है, यहां पर आईडी आ गई है मेरी। अब मैं यहां से अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं और ये देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कैपकट का। सबसे पहले काफी इजी इंटरफेस है, एक एक चीजें समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं आपको कि वीडियो इंपोर्ट कैसे करना है। तो ये देख रहे हो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप सिंपल यहां से क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पीसी का एक फोल्डर आ जाएगा, वहां से आप अपनी वीडियो फुटेज सिलेक्ट करके ड्रैग ला सकते हो यहाँ पर। या फिर अगर आप लोग चाहो तो उस फोल्डर को ओपन करके रखो जिसमें फुटेज है और यहाँ से सारी फाइल सिलेक्ट करो एंड देन इसको कैपकट में लाकर ड्रॉप कर दो। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले ये वाली फाइल है मेरी फर्स्ट, तो मैं इसको लाकर यहाँ टाइमलाइन में ड्रैग करूंगा एंड सेकंड ये वाली फाइल है, इसे भी ड्रैग कर लिया। दोनों फाइल्स आ चुकी हैं मेरे सामने। अब देखो, मैं जिस फाइल के ऊपर भी यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, वीडियो ऑडियो स्पीड एनिमेशन ट्रैकिंग एडजस्टमेंट, क्या क्या काम है इनके, ये सब अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जब भी हम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेज होता है ना हमारा, वो होता है ट्रिमिंग करने का। तो देखो, ये रही मेरी वीडियो और ये रहा मेरी वीडियो का ऑडियो। अब आप लोगों को यहाँ पर ट्रिमिंग में मे भी हो सकता है आसानी आ जाए, बट कैपकट के अंदर एक और अच्छा फीचर मुझे जो लगा वो ये है कि आप अपनी ऑडियो को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रिमिंग के दौरान क्या होता है ना कि हम ऑडियो सुन सुन करके ही ट्रिमिंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ ऑडियो की टाइमलाइन बहुत छोटी आती है और ऐसे में आप ट्रिमिंग में दिक्कत होगी आपको या वीडियो भी खराब हो सकती है। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप ऑडियो को सेपरेट कर लो। देखो, अब यहाँ पर ऑडियो आ गया मेरे सामने एंड मैं यहाँ से ऑडियो के हिसाब से सिंपल बी प्रेस करूंगा, दो तो ये आ गया मेरे यहाँ पर इरेजर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कट टूल, और इससे मैं यहाँ पर आराम से अपनी ट्रिमिंग कर सकता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ऐसे मेरी ट्रिमिंग हो जाएगी और जैसे ही मैं सिंपल ए प्रेस करूंगा तो मेरे सामने दोबारा आ जाएगा सिलेक्शन टूल। एक और तरीका है ट्रिमिंग करने का कि आप अपने ये जो टाइमलाइन का सीक्वेंस अपना आता है ना, ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट, इसको आप यहां रखो। जैसे मुझे यहां से ट्रिम करना है तो ये एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट का, कि आप चाहो तो कंट्रोल बी प्रेस करके भी कर सकते हो, बट यहां से इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो ये ट्रिम हो गया। ऑडियो पर भी सेम, एक बार यहां क्लिक करो, देखो ये ट्रिम हो गया। अब आप इन दोनों को सबसे पहले डिलीट कर दो और वीडियो और ऑडियो को ड्रैग करके आप यहां ले आओ, तो देखो आपकी ट्रिमिंग यहां पर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिमिंग कर सकते हो एंड जैसे ही आप अपनी हर एक फुटेज की ट्रिमिंग कर लोगे तो उसके बाद में जो आपको करना है वो है अपनी पोजीशंस वगैरह या स्केल्स या ट्रांजिशंस, कुछ इफेक्ट चाहिए। तो देखो, मैंने जैसा भी कहा कि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो आपने सेलेक्ट करी, तो यहां पर आ गए हमारे सामने बेसिक्स हमारी वीडियो का। तो यहां से हम अपना स्केल का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं जूम इन जूम आउट करना चाहता हूं वो कर सकता हूं, या मान लो कि मुझे अपनी वीडियो की पोजीशन चेंज करनी है इस तरीके से लेफ्ट राइट अप डाउन करना है, तो ये देखो पोजीशंस चेंज हो रही है मेरी यहां पर, ये भी एक तरीका है। फिर आपके सामने मिल रहा है रोटेट का ऑप्शन, तो अगर मैं इस व्हील को घुमाऊंगा तो वीडियो रोटेट कर सकता हूं। ये सभी चीजें अगर आप लोग की फ्रेम्स के साथ में करना चाहते हो, जैसे लेट सपोज मान लो कि मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरी वीडियो जूम होना स्टार्ट हो जाए 100 रहे और यहां आते आते उसका जो जूम पैटर्न है वो 125 हो जाए, तो ये देखो ये हो गया। अब जैसे ही मैं वीडियो प्ले करूंगा तो देखो यहां से मेरी वीडियो जूम होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर जाके जो 128 या 125 का जो नंबर है उतना स्केल कर लेगी, ये देखो। देखा, तो इस तरीके से आप लोग अपने स्केल्स में, अपने पोजीशंस में, रोटेशंस में, अपने ट्रांजिशंस लगा सकते हो की फ्रेम्स के जरिए। तो ये बहुत सिंपल और छोटे से मतलब ट्रांजिशंस होते हैं, वैसे आपको कस्टमाइज दिए गए होंगे तो आप चाहो उनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्लेंड मोड, यानी हम अपनी ओपेसिटी वगैरह के साथ में क्या कर रहे हैं। तो ये देखो, ब्राइटनेस, स्क्रीन, डार्कन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये तब मोस्टली यूज किया जाता है जैसे ओपेसिटी आपको कम करनी है, आपको दो फुटेज को एक साथ रखना है और दोनों को ही दिखाना है, तो ओपेसिटी कम या ज्यादा करके आप दिखा सकते हो।
सकते हो। तो ये हो गया स्टेबलाइज। जो लोग व्लॉगर हैं और मान लो कि यार उनकी वीडियो में क्या होता है ना कि कैमरा बहुत ज्यादा हिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक स्टेबलाइज वीडियो चाहिए होता है, तो उसके लिए हम इस स्टेबलाइज वाले फीचर का यूज कर सकते हैं। इससे वीडियो एक स्मूथ हो जाएगा और जो हमारा कैमरा शेकी हो जाता है ना कई बार हाथों से, तो वो चीज ये काफी हद तक सॉल्व कर देगा। इसके बाद आता है कैनवस। तो ये देखो यहाँ पर कैनवस में अगर आप लोग ब्लर कलर और स्टाइल वगैरह चूज करते हो तो अपने हिसाब से अपनी वीडियो में ब्लर यूज कर सकते हो। कुछ आपको सिंपल इफेक्ट्स दिए गए हैं इसके भी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कटआउट पर। तो ये देखो हमें यहाँ पर क्रोमा की एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लोग ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से आप अपने क्रोमा की का उठा करके कलर पिकर यहाँ ड्रैग करोगे, तो ये देखो ये कलर इसने पिक किया। इसी तरीके से आप ग्रीन स्क्रीन भी पिक कर लोगे ना, तो यहाँ से अपनी शेडो स्ट्रेंथ वगैरह ये देखो ऐसे करके आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर पाओगे। ये देखो ये एक परफेक्ट साइन हो गया, मतलब मेरी बॉडी भी नजर आ रही है और बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो। स्ट्रेंथ और शेडो के साथ थोड़े से चेंजेस करोगे देन आप लोगों को एक बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आ जाएगा ग्रीन स्क्रीन का। तो इसका आप इस्तेमाल जरूर करना अगर आप लोग ग्रीन स्क्रीन पर वीडियोस बनाते हो। नेक्स्ट आता है इनहेंस का। तो अगर आप लोग जैसे अपने फेस को, ये देखो यहाँ पर फेस ट्रैकिंग है और आपके फेस को ट्रैक भी कर रहा है, तो आप अपनी स्किन को स्मूथ बनाना चाहते हो, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो, इस तरीके से देखो स्किन की ब्राइटनेस बढ़ रही है, और व्हाइट टीथ अपने दांत भी सफेद करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। फेशियल ब्यूटी वगैरह भी आपको मिल रही है, नोज आईब्रो माउथ, मतलब बहुत डिटेल में आप काम कर सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर। ये सब चीजें आपको जैसे जैसे अच्छी लगे आप यूज करो। एक दो बातें रखना ध्यान से कि अगर आप लोग का व्लॉगिंग चैनल है, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस्ड हो तो ही इन फीचर्स का यूज करना, अदरवाइज सोच लेना एक बार। ओके, तो नेक्स्ट आता है अब यहाँ पर ऑडियो का। ऑडियो सबसे पहले सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऑडियो का अपना जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको दिए गए हैं वॉल्यूम्स का। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमारी रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही वॉल्यूम बहुत हाई हो जाती है और हमें उसको लेवल्स को थोड़े कम करना होता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में डिक्रीज करेंगे और फिर एक बार ऑडियो अपनी सुनने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये लेवल्स आ रहे हैं, ऑडियो हल्की हो गई है जहां तक मैं जानता हूं। अब अगर मैं इसे बढ़ा देता हूं, यहां ले आता हूं, तो देखो ऑडियो कितनी ज्यादा हार्श हो जाएगी। देखो दिखा दिया इसने टाइमलाइन में कि रेडनेस बढ़ चुकी है ऑडियो में, यानी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है वॉल्यूम। देखा, आप लोग इस तरीके से अपनी ऑडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो मैन्युअली। फेड इन फेड आउट ये तो किसी काम के आपके है नहीं, बट फिर भी अगर आते हैं तो यूज कर लेना। नेक्स्ट है नॉइस रिडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो नॉइस की प्रॉब्लम हर क्रिएटर के साथ रहती है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम कितना भी सॉर्ट आउट कर लें कभी सॉल्व नहीं होने वाली। वेल, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये फीचर आपको यहाँ दिया गया है नॉइस रिडक्शन का। तो आप चाहो तो अपनी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करना। वॉइस इफेक्ट्स भी दिए गए हैं आपको, बट इसमें हमें मिल रहा है नेटवर्क एरर, जो कि अगर मैं ट्राई अगेन करूंगा तब भी एरर आता ही रहेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने चैनल पर ऑलरेडी बता दिया है। रीसेंट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को चेक कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। खैर, वॉइस इफेक्ट्स में आपको मेल फीमेल रोबोट या फोन कॉलिंग पर जो वॉइस आती है, अलग अलग वॉइस इफेक्ट्स मिल जाएंगे इस तरह के, तो आप उसे यूज कर सकते हो, जो कि आपकी वॉइस को काफी हद तक मतलब सिम्युलेट कर देंगे उस तरह की वॉइस लगने में एक मेल या फीमेल की। तो ये हो गया यहाँ पर। फिर है हमारा चैनल स्पीड वगैरह, अगर वॉइस की आपको बढ़ानी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको चीजें समझा दी, बाकी देखो यहाँ पर है स्पीड का ऑप्शन और है हमारा यहाँ से वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। एनिमेशंस वगैरह आपको बहुत सारे दिए गए हैं, देखो इस तरह से आपकी वीडियो रोटेट हो जाएगी। सभी एनिमेशंस को आप डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज कर लेना। देखो शेक इफेक्ट है यहाँ पर और एक और शेक इफेक्ट है, एक ये है, तो इस तरीके से आप इनका यूज करो। और ये देखो अगर मैं इस इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो देखो इस तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और आप लोग जैसे जैसे जो जो इफेक्ट्स वैसे बहुत सारे दिए गए हैं तो आप यूज कर सकते हो इनका। और आउट में भी देखो बहुत सारे इफेक्ट्स है मेरे पास में, जिनको अगर मैं प्ले करूं तो कुछ इस तरह से आएंगे, और यहाँ पर कॉम्बो में भी दिए गए हैं आपको बहुत ही सारे एनिमेशंस दिए गए हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ ट्रैकिंग में। तो ये है मोशन ट्रैकिंग, जो कि इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है फिर भी मोशन ट्रैकिंग जैसा फीचर मिल रहा है। तो अगर आप कोई मोशन को ट्रैक करना चाहते हो तो इस तरीके से इस बॉक्स का यूज करो, और अपने हाथ पर सर को ट्रैक करना है वो सब चीजें आप मैन्युअली ट्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट है कलर ग्रेडिंग। तो देखो अब मैंने ये सब बता दिया, कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पहले
कुछ चीज आपको क्लियर कर दूं। जब भी सबसे पहले आप अपनी वीडियो एडिटिंग करने बैठोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिमिंग करनी है, ट्रिमिंग के बाद ऑडियो एडिटिंग करनी है, या चाहो तो ऑडियो एडिटिंग पहले कर लो फिर ट्रिमिंग कर लो, तो ये दो चीजें कर लोगे उसके बाद में आती हैं ये सब चीजें, हमारी स्पीड, हमारा एनिमेशन, हमारे ट्रैकिंग, हमारे जो अपना कलर ग्रेडिंग हो गया, ये सब चीजें। हाँ, यहाँ पर भी अभी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको कलर ग्रेडिंग बता दूं कि आपने एडिटिंग समझ ली ना, अब उसके बाद में आपको कलर ग्रेडिंग जो करनी है वो ऐसे करना, ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहले देख लो हमारी वीडियो क्या है, किस तरीके का उसका लुक है, और फिर उस हिसाब से देखो इसको हल्का सा ब्लू की तरफ ले जाओ या जैसे आपको बेस्ट लगे आपकी वीडियो में, और देखो यहाँ से इसको पिंक ले आओ, सैचुरेशन थोड़ा सा हल्का ज्यादा रखो, ब्राइटनेस बढ़ा लो चलो थोड़ी सी, कंट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ाओ, हाईलाइट ज्यादा होने चाहिए। अब आ जाओ शेडो में, शेडो थोड़ी सी बढ़ानी होगी, इल्यूमिनेशन इसको भी हल्का सा बढ़ा के रखना, शार्पनेस पार्टिकल्स, देखो शार्पनेस बढ़ाओगे तो इस तरीके की वीडियो हो जाएगी बहुत डिटेल्ड, पार्टिकल्स बढ़ाओगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स पे फोकस आ जाएगा, फेड इन, ये सब चीजें आप लोग मैनुअली जब धीरे धीरे आप लोग कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करोगे तो ये सब चीज आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है जो मैं बना दूंगा कलर ग्रेडिंग को लेकर के, लेकिन मैं इसमें अगर इसे एक्सप्लोर करने बैठूंगा ना तो इसको कई दिन लग जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से HSL वगैरह होता है हमारा, कि देखो हमारी वीडियो में कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक कलर बहुत सारे कलर्स को मिलकर बना होता है, तो वो कलर अगर मान लो हमें उसमें कुछ चेंज करना है, जैसे उसका ह्यू रेड कलर है, इसका ह्यू चेंज करना है तो इस तरीके से चेंज करेंगे, सैचुरेशन चेंज करना है या फिर ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है, ऐसे ग्रीन या व्हाइट जो भी कलर हम चाहते हैं उसको कम या ज्यादा करना, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो इस तरीके से सब चेंजेस हो रहे हैं ना, तो आप लोग इसको डे बाय डे करते करते सीखोगे, एक दिन में ये चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आता है कर्व्स, इसमें भी आपकी मिड टोन्स, हाईलाइट, शेडोज होती हैं, तो जहां से आप इसको डिक्रीज करोगे वो चीज डिक्रीज हो जाएगी, शेडो, मिड टोन्स, हाईलाइट, ऐसे जैसे आपको सही लगे आप वैसे इसे कर सकते हो। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो कई बार हमें अपनी एडिटिंग को ना टाइम सेविंग भी करना होता है, तो यहाँ ऊपर एक और फीचर दिया गया है शॉर्टकट का, तो इसमें आपको सभी शॉर्टकट कीज दी गई हैं जहां से आप अपनी शॉर्टकट की चूज करोगे, और जैसे जैसे आप अपनी वीडियो एडिटिंग सीखोगे और उन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो, जल्दी जल्दी एडिटिंग भी हो जाएगी। तो जाहिर है एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना और फिर उसके बाद में एडिटिंग करना। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ से देखो ऑडियो दिया गया है, तो बहुत सारे ऑडियो हमें मिल रहे हैं। देखो ये एक ऑडियो है, मैंने इसे डाउनलोड करा। अब मान लो मुझे इस ऑडियो को अपने बैकग्राउंड में लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगे से ड्रैग करूंगा, और हाँ सबसे पहले इसका लेवल कम करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड ऑडियो का लेवल -24 से -18 के बीच में रहना चाहिए, तो मैं इसको मान लो 21 या 22 रख देता हूँ। 22 अगर ऑडियो के लेवल्स पहले से ही ज्यादा हैं तो आप उसे -24 रख लेना, और अगर पहले से कम है तो -18 से भी काम चला सकते हो। तो ये मैंने रख दिया अब इसे। अब देखो इसको सुनोगे, मिक्स नहीं होती है ये, हाय दिन चेंज, तो बैकग्राउंड हमारा एकदम मस्त हो चुका है। आप इसके अलावा जो भी आपके पास म्यूजिक अवेलेबल हो आपके पीसी में, जहां से आपने डाउनलोड करा हो उसे आप यूज कर सकते हो, बट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहां से मिलेंगे इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर मौजूद है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर टेक्स्ट का, तो समटाइम्स क्या होता है हमें अपनी वीडियो में टेक्स्ट यूज करने होते हैं बहुत सारे, विद ट्रांजिशंस और टेम्पलेट्स वगैरह, तो ये देखो यहां पर मेरे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, और इसी तरीके से बेसिक्स, इल्यूमिनेशन, मल्टी कलर, येलो, कोई पर्टिकुलर कलर में आपको चाहिए सब मिल रहे हैं, टेक्स्ट के टेम्पलेट्स तक मिल रहे हैं, तो भाई और क्या चाहिए जिंदगी में। यहां से आप इनको भी यूज कर सकते हो, देखो ये है बिग टाइटल, तो लेट सपोज मैं इसे यहां से ड्रैग कर लेता हूं, और ये देखो इस तरीके का आएगा। अब मैं इसे चेंज करना चाहूं तो ये खुल गया, बिग टाइटल की जगह मैं चैनल का नाम लिख दूं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कैपिटल में लिखना चाहिए था, इस तरीके से स्पेलिंग गलत हो गई, अरे इस तरीके से आप लोग अपना टाइटल, फिर उसके कलर्स जो भी आपको चाहिए वो यूज करो, और इसको जहां रखना है वहां से ड्रैग कर लो, इस साइड में लाना है, सेंटर में लाना है, देख लेना अपने हिसाब से। और ये देखो यहाँ पर ओपेसिटी वगैरह कितनी रखनी है, उसका स्ट्रोक कितना होना चाहिए, शेडो वगैरह, बैकग्राउंड, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पर। बैकग्राउंड अगर चाहिए तो बैकग्राउंड चेंज कर लो, रेड ले लो इस तरीके से ना, और फिर आ जाओ शेडो में, अपना शेडो भी चाहिए इसकी, मुझे जैसे रेड शेडो चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, रेड शेडो, देखो ओपेसिटी बढ़ाऊंगा तो आ गई मेरी रेड शेडो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बैकग्राउंड शेडोज का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को विद एनिमेशन टेक्स्ट विद ट्रांजिशंस के साथ में जो आ रहे हैं, देखो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियोज में, डेली व्लॉग, मतलब बहुत सारे दिए गए हैं आपको, देखो कितने सारे, मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही इसकी। तो फिर आता है आपका स्टिकर्स का, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो फॉलो, सब्सक्राइब बटन, ये सब स्टिकर्स आपको दिए गए हैं, ये भी एनिमेशंस के साथ आ रहे हैं, आप अगर इन्हें यूज करना चाहो अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो, ये भी बहुत ही सारे दिए गए हैं, डिपेंड ऑन कैटेगरी, आप व्लॉग्स में यूज करना चाहते हो, समर, आप कवर अप्स हैं, बर्थडे पार्टी की वीडियोज है उसमें यूज करना चाहते हो, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज कर पाओगे। नेक्स्ट है इफेक्ट का, वैसे एक बात बता दूं आपको कि ये सब चीजें
में भी आपको नेटवर्क एरर का इशू आएगा, इफेक्ट्स, ट्रिगर, ट्रांजिशन, तो जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसे डेफिनेटली देख लेना, आपके बहुत काम आएगी और उसके बाद में आप ये सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे। यहाँ पर है अपना इफेक्ट्स, तो ये बेसिकली वीडियो में एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब इसको मैं वीडियो में डालता हूँ, तो ये देखो आपको हटा दो, ये देखो इस तरीके का एक हार्ट इफेक्ट आ गया वीडियो में और ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आप यूज कर लेना अपने हिसाब से। देखो यहाँ पर एज ग्लो करके इफेक्ट दिया गया है, तो अगर मैं इसे यूज करूँ तो असर आ रहा है। मतलब हर एक इफेक्ट का अपना एक फायदा होता है, डिपेंड आप पर करता है आप किस सिचुएशन में वीडियो शूट कर रहे हो, फिर उसे किस तरह की एडिट करना चाहते हो, वो सब चीजें। यहाँ पर दिया गया है ट्रांजिशंस, तो बेसिकली देखो हमने यहाँ पर वीडियो को ट्रिम किया था ना, तो दो वीडियो के बीच में जब भी हम कोई ट्रांजिशंस का यूज करते हैं तो ये दो वीडियो के बीच में आ जाता है इस तरीके से। अब देखो जैसे ही प्ले करूंगा, टाइमिंग क्या है अपलोड करने के लिए, देखो बेस्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ट्रांजिशन आया, और इसके अलावा भी मैं और ट्रांजिशंस चाहूँ तो इसे डिलीट करके कोई और ट्रांजिशंस भी यूज करूंगा, तो ये देखें आ गया ना। तो मतलब आप इस तरीके से अपने ट्रांजिशंस का यूज करो और जो आपको बेस्ट लगे। देखो बहुत सारी वैरायटी दी गई है ट्रांजिशंस में, आप डाउनलोड करो और उसके बाद में उनको यूज करोगे आप वीडियो में, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना पाओगे। और कैपकट तो वैसे ही फ्री मिल रहा है आपको, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। ये देखो फिल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर आपको। फिल्टर्स में क्या है, बेसिकली जो आप लोग नॉर्मल कलर ग्रेडिंग से रहे थे ना, वो आप डायरेक्ट फिल्टर्स से कर सकते हो। ये कह सकते हैं ये एक लट्स वाला फीचर है जिसको हम आज के टाइम में फिल्टर्स कहते हैं। बस उसका आप यूज अपनी वीडियो में करो, डेफिनेटली आपका कलर ग्रेडिंग का टाइम बचेगा, क्योंकि कलर ग्रेडिंग मैंने बोला अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, इस पे कई दिनों की मेहनत, कई दिनों की रिसर्च लगती है। तो अगर आप एक कलर ग्रेडिंग का अल्टरनेट चाहते हो तो फिल्टर यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस में, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो। ये बात सभी सॉफ्टवेयर्स पर अप्लाई होती है, स्पेशली कैपकट पर तो होती ही है। इसके बाद आपको दिया गया है एडजस्टमेंट का ऑप्शन, तो अगर आप लोग अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर कोई एडजस्ट लेयर लगाना चाहते हो इस तरीके से, और आप उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग HSL वगैरह करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, अगर आप इसे हटा दोगे ना तो ये बेसिकली हट जाएगी और आपकी जो एक्चुअल फुटेज है उसको किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं करेगी। तो आप इस एडजस्टमेंट लेयर का भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स जो एडवांस लेवल पर एडिटिंग करते हैं वो एडजस्टमेंट लेयर के बिना आई थिंक एडिटिंग ही नहीं कर सकते, मतलब वो करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक फुटेज की अपने कुछ अप्स और डाउन्स होते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर में क्या है, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर ट्रांजिशंस हमें अच्छा नहीं लग रहा या कलर ग्रेडिंग पसंद नहीं आई। बट वीडियो को डिलीट करना इतना आसान नहीं होता, और आप कितनी बार कंट्रोल जेड कर लोगे, तो इसलिए एडजस्टमेंट लेयर अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज साबित होती है। हाँ, एक चीज इस सॉफ्टवेयर की मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये था कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेशो का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ से अपने रेशो को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग मान लो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट कर रहे हो, तो ये देखो 9:16, अभी तो 16:9 है जो हमारा एक्चुअल यूट्यूब का साइज होता है, तो हम इसे 9:16 करेंगे तो देखो हमारा इंस्टाग्राम का साइज आ गया, या मान लो 2:1 करेंगे तो इस तरह का साइज आ जाएगा, या फिर 3:4 करेंगे तो भी इंस्टाग्राम का साइज आ गया। इस तरीके से आपको जैसे अच्छा लगे आप अपना साइज चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको अपनी टाइमलाइन को जूम करना है, कुछ चीजें देखनी है, तो ये देखो ये रहा जूम का सिस्टम, यहाँ से आप जूम करके अच्छे से अपने ट्रांजिशंस में, कलर ग्रेडिंग में काम कर सकते हो डिटेल में। और जब ये सब चीजें आप कर लोगे, आपकी वीडियो फाइनली एडिट हो जाएगी, तो फिर आप सीधा जाओ एक्सपोर्ट पर और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करो। यहाँ से देख रहे हो रेजोल्यूशन 1080p, जाहिर है आपको भी 1080 पिक्सल में चाहिए, 2K और 4K चाहिए तो यूज कर लेना। बिटरेट यहाँ से हायर रखना, और कोडेक H.264 या HEVC भी यूज कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। अगर आपके PC में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो HEVC यूज कर लेना, अगर नहीं है तो फिर H.264 ही यूज करना। फ्रेम रेट यहाँ से आप 60 कर लो, या जिस पर भी आपकी वीडियो शूट हुई है 30 फ्रेम्स पर या 60 पर वो यूज करके। एक्सपोर्ट ऑडियो नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट करोगे, फाइल साइज आ गया 2.17 GB का फाइल साइज है, और यहाँ से अब आप एक्सपोर्ट बटन दबा दोगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था कैपकट का बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल का एक ट्यूटोरियल, इन सभी फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इनका यूज कर सकते हो अपनी एडिटिंग में, अपनी एडिटिंग टेक्निक्स में, कैसे करना है और क्या क्या करना है वो सब चीजें आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको किस तरह से एडिटिंग करनी है, ये सब चीजें, बाकी जो चीजें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.